आज हम आए हैं नोएडा SPCA गवर्नमेंट के पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। तो ये जो पीछे आप डॉग देख रहे हैं हम इससे लेके आए हैं, इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। आज दिन है संडे, तारीख कौन सी है? 31 है आज। तो मैंने ये देखा था 21 तारीख में शायद, मतलब 10 दिन हो गए इसे। दूसरे सेक्टर में मैंने इसको देखा था और इसको बहुत ही ज़्यादा स्किन वो था, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि ना पस पड़ने लगा और ब्लड निकलने लगा इसकी पूरी स्किन में से, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। मॉनसून की वजह से वो और ज़्यादा फैल गया, गाड़ी में भी ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो 10 दिन लग गए इसको ढूंढने में, क्योंकि जब ये डॉग बीमार पड़ते हैं तो ये कहीं छुप जाते हैं, जाके ज़्यादा आते नहीं हैं ये। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेंगे मैं और ये मिलके, कोई डॉग का कुछ भी होता है तो हम मैं और यही देखते हैं। अब ये कौन है ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम इसका YouTube चैनल पे, वो हम आपको लिंक दे देंगे। हम लोगों ने फिर उसके बाद में बहुत सारी तो हमने पहले खुद ही प्लानिंग करी कि हम खुद ही हेल्प कर लेंगे, मतलब खुद ही कर लेंगे चीज़ों को। लोगों से हेल्प लेने का फायदा नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता, पागल और बताते हैं लोग सब। पर नहीं हुआ क्योंकि दूसरे ब्लॉक में था, हमें नहीं पता ये कहाँ रह रहा है, कहाँ ये छुप रहा है जाके। तो एक भैया की शाम को मैं निकली एक दिन, तो एक भैया की हेल्प ली हमने, वो भी थोड़ा बहुत करते हैं लोग बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने फिर भी की। तो उन्होंने बताया, मैंने उनका नंबर लिया, एक अंकल का और नंबर लिया, मैंने अंकल कभी भी दिखे तो कॉल करेंगे, लेकिन मैंने उनको काफी कॉल की पर कहीं से कुछ हेल्प होता ना दिखाने के लिए कुछ होता है, लोग प्रायोरिटी पता नहीं क्यों नहीं देते। जब आप डाल रहे हो, आप बताते हो कि स्पेसिफाई वो करते हैं कि अगर आपको कोई बेजुबान दिखे तो आप हमें हेल्प कर, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब कर रहे हैं तो वो को हेल्प नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा है। चाहे कि वो सही हो, हम तक एक मेन बात नहीं पहुंच पाती, रीज़न नहीं पहुंच पाता वो हेल्प क्यों नहीं कर रही। तो हम कुछ स्टोरी अपनी बना लेते हैं, ये भी हो सकता है। पर कई बार ऐसा हुआ है कि हेल्प मांगी है और हेल्प नहीं मिली, इवन इतना भी रहा है कि एक डॉग की डेथ भी हो गई थी, 2-3 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे, 4 किलोमीटर वो गाँव कितनी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से तो ज्यादा पड़ जाता है, हमारे यहाँ से तो फिर भी ज्यादा पड़ जाता है, 10 किलोमीटर लगा लो और उन लेडी के यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है मैक्सिमम 3-4 ही मैक्सिमम। और इनकेस हम 10 किलोमीटर कवर भी करते, वो रात का टाइम था, एक डॉग था जिसकी नेक पूरी कट गई थी और ब्लड बहुत ज्यादा, वो डॉग हमने बहुत कोशिश करी, ऑटो वाले को बुलाया, बहुत स्टोरी थी वो भी अलग ही, एट द एंड वो डॉग की डेथ हो गई सुबह तक। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊंगी कि बस इस डॉग को ग्रेटर नोएडा से नोएडा लाना था, SPCA गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये MIT यूनिवर्सिटी के पीछे, बस इस 35-40 मिनट्स की डिस्टेंस के लिए हमने कितना ज़्यादा, मतलब हम स्ट्रगल करते हैं, हम अकेले आ नहीं सकते, अकेले जिद करके आओ तो वो बात तो अलग की है, आ गए पेरेंट्स अलग से लड़ते हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है, वो तो एक अलग लेवल हो चुका है कि इग्नोर करो सबको, जिद्दी से हो गए हैं इन चीज़ों को लेके। तो थोड़ा बहुत जिद्दी, अगर अच्छे काम के लिए आप जिद दिखा रहे हो तो वो जिद अच्छी है, अच्छी बात। मैंने वीडियो बनाई वो हम इसीलिए बना रहे हैं कि ये जो इस डॉग को लेकर आए हैं, इस डॉग की मैं वीडियोज़ और फोटोज शेयर करूंगी तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी जो है वो स्किन इन्फेक्शन से भरी पड़ी है। अब ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने में भी ये नहीं हुआ होगा, ये मुझे लग रहा है कम से कम 2-2.5 महीने तो है कि इसको इस कंडीशन में आने के लिए, मतलब क्रोनिक सा ये है, टाइम लगा। तो मतलब लोग अंधे थे कि इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं कि कोई डॉग हमारी गली में ऐसा भी है। इवन जिन भैया ने हमारी हेल्प की उन्होंने ये बताया कि इसको इतना ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन, इसकी आँखें भी भर गई हैं इन्फेक्शन से कि ये ना शायद दिख रहा नहीं है, ये शायद ब्लाइंड हो चुका है, मतलब ब्लाइंड भी नहीं है बट विजन पार्शियल हो चुका है। अब वो तो डॉक्टर बताएंगे कि कितना कम हो चुका है, बट हाँ कम, वो कह रहे थे कि ये पहले मुझे पहचान जाता था और हमें देख के आ जाता था, पर ये कुछ दिनों से आ ही नहीं रहा था देख के, तो ये सारी चीज़ इसको पता ही नहीं चल रहा था ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। और कल का पूरा दिन, आज संडे है, संडे को ये पर सारा कुछ कैंसिल किया कि आज ये डॉग लेके ही जाना है जैसे भी। और ये बहुत ज़्यादा कल कॉल थी उन भैया से हो रही है, इससे हो रही है, कैब वाले भैया से हो रही है, यहाँ इमरजेंसी कॉल पे हम कॉल कर रहे हैं बार बार कि भेज दो किसी को भेज दो, सबका अपना अपना टाइम है, लंच के बाद कि हम इसको यहाँ लेके आए और ये यहाँ ठीक हो जाएगा, महीने भर इसको एडमिट कराएंगे, महीने भर में ये ठीक हो जाएगा।
जाएगा और हम ही लेने आएंगे या फिर लोग अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, पूरा चेकअप के साथ में अब इसको ये देखेंगे कि इसके सारे ऑर्गन सही हैं या नहीं, ब्लड टेस्टिंग होती है, जब तक कि सही नहीं हो जाएगा, पहले भी हम डॉग्स को यहाँ पे लेके आए हैं तो तब तक ये रिलीज नहीं करते हैं डॉग को, तो अच्छा है ओवरऑल। मतलब अगर आसपास आप रहते हैं, बस थोड़े एफर्ट की ज़रूरत है, मैंने इतना कल टाइम दिया, इसने इतना टाइम दिया, वो भैया तो कल पूरे दिन ही नहीं नहाए कि मैं थोड़ा भी इधर उधर गया तो ये भग जाएगा, और एंड में यही हुआ कि वो थोड़ा सा बस अपने बेटे को ट्यूशन से लेने गए और इतने में ये इधर उधर हो गया, इतने में कैब वाला आ गया, फिर वो ऐसे ही चला गया, जहलता हुआ, अगली बार वो आएगा भी नहीं, हमें ऐसा लग रहा था। इनकी प्रायोरिटी होती है कि तुम अगर डॉग पास में है तो ही तुम हमें बुलाओ वरना हम नहीं आएंगे, तो कल कुछ ऐसा हुआ कि वो आए इतनी दूर से और डॉग नहीं मिला, तो और आज भी ऐसा हुआ कि हमने खिड़की खोली पूरी प्लानिंग से हम आए कि डॉग को पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत आसानी, मैंने ये सोचा था आज ही काट भी जाएगा ना तो भी मैं इंजेक्शन लगवा लूंगी, पर इसको तो मैं बिठा के रुकी आज गाड़ी में, जैसे ही गेट खोला है ये अपने आप ही बैठ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डॉग तो भगवान ने ये चाह रहा था यार, ये डॉग भी ये चाह रहा था कि तुम ही छोड़ने जाओगे मुझे गाड़ी में, भैया भी कह रहे थे ये कैसे बैठ गया, मैंने कहा भैया इसको कल कैब से जाना नहीं था, इसको हमारे साथ ही जाना था, और बहुत ज्यादा स्मेल इसमें से आ रही है, हम हाईवे पे भी शीशा खोल के आए हैं गाड़ी का, तो अब ये सारी कहानी है। बस अंदर की वीडियो शायद हम इतनी ना बना पाए, फिर भी थोड़ी बहुत बनती है तो दिखाएंगे, वो अलाउ नहीं करते हैं। तो बात बस ये वीडियो बनाने का मोटिव जो है मेरा यही है कि आप अगर चीजों को देखते हैं तो अंधे मत बनो, बस थोड़ा सा हेल्प पर्सनल लेवल पे जितना कर सकते हो उतना करना जरूरी है और करना चाहिए इंसानियत। तो ये अब हम अंदर जाते हैं, हम देखते अगर थोड़ा बहुत बन पाए अंदर का दिखाएंगे इसकी। ये भी घर जाके खुश हो जाएगी। अब तो आपको कैसे कर रही है, हवा लग रही है ना इसके।